ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के धारावी से तस्वीर सामने आई है, जहां अवैध निर्माण को गिराने के लिए जब बीएमसी की टीम पहुंचती है तो वहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन होता है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अवैध मस्जिद को तोड़ने के लिए पहुंची बीएमसी और इस दौरान जो है भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए ये भारी तादाद में लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं और इनका ये कहना है कि ये कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और यही वजह है कि अभी हालात वहां पर तनावपूर्ण बने हैं। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे, हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, वहां पर आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, उस मस्जिद को भी दिखा रहे थे जहां अवैध निर्माण हुआ है, इस समय क्या स्थिति है, कितनी देर तक कंट्रोल हो सकती है, लोगों का वहां क्या कहना है? सत्यप्रकाश, देखिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बीएमसी की जो गाड़ियाँ आई थी तोड़ने के लिए वो जा रही है। देखिए तस्वीरें धारावी पुलिस स्टेशन के सामने की तस्वीरें हैं और ये देखिए सामने देखिए जो गाड़ियाँ बीएमसी की थी, दो गाड़ियाँ तीन गाड़ियाँ जो है जा रही हैं, सुबह आई थी तोड़ने के लिए, लेकिन लोग लगातार यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। लोगों की डिमांड थी कि ये जो मस्जिद है काफ़ी पुरानी है, इसको तोड़ा ना जाए। इसी को लेकर तस्वीरें सामने देखिए, धारावी पुलिस स्टेशन के बाहर का तस्वीरें हैं, किस तरह से लोग भीड़ इकट्ठा हुई है और पूरा लगभग एक किलोमीटर तक इसी तरह से लोग सुबह से ही बैठे हुए हैं, लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि किसी भी हालत में ये मस्जिद को तोड़ा नहीं जाना। फिलहाल जो बीएमसी गाड़ी आई थी तोड़ने के लिए वो जा रही है, यहाँ से निकल रही है, क्योंकि जो सिचुएशन है काफ़ी ख़राब होते हुए दिख रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है किसी तरह से जो यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग उनको मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई हटने के तैयार नहीं हो रहा है। लगातार ये बताया जा रहा है पुलिस तरफ से कि जो ये तोड़ने के लिए आए हैं ये लीगल रूप से आए हुए हैं, बीएमसी की तरफ से इनको नोटिस दिया गया है इसके लिए आए हुए हैं। फिलहाल सिचुएशन जो है उसको कंट्रोल में कोशिश किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और सामने देखिए पुलिस की तरफ से लगातार लोगों को हटाने की कोशिश किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की टीम है और लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। 90 फीट रोड है मुंबई का धारावी का, और ये सामने तस्वीरें देखिए किस तरह से जो ये बीएमसी की गाड़ी है, बीएमसी गाड़ी तोड़ने के लिए आई थी, दो गाड़ियाँ पहले जा चुकी है, दोनों गाड़ियाँ दूसरी निकल रही है और लोग कहीं कहीं ये खुशी मना रहे हैं कि जो बीएमसी की टीम आई थी वो जा रही है, यहाँ से निकल रही है, धारावी से निकल रही है, और लगातार लोग यहाँ पे कहीं कहीं सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जो प्रोटेस्टर थे जो बैठे थे सड़क पर वो कह रहे हैं कि जो हमारी मांगे थी वो मान ली गई। फिलहाल देखिए तस्वीरें देखिए, ये धारावी का 90 फीट रोड पर है जो कि मस्जिद के बगल में है, और जब मस्जिद को तोड़ने के लिए बीएमसी की टीम आई थी वो जा रही है, ये बीएमसी की गाड़ी है, चार गाड़ियां आई थी बीएमसी की तरफ से और सुबह ही आई थी और तोड़ने के लिए, लेकिन इस पर पथराव किया गया, अंदर जाने नहीं दिया गया, लोग सड़क पर बैठ गए और ये देखिए लगभग एक किलोमीटर तक लगातार लोग खड़े हुए हैं, लोग नारे लगा रहे हैं बीएमसी के खिलाफ। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोशिश किया जा रहा है किसी तरह से जो सिचुएशन है उसको हैंडल किया जा, लोगों को मनाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ की जो कांग्रेस की एमपी है वर्षा गायकवाड भी पहुंची हुई है, लगातार कोशिश कर रही है कि मनाने की कोशिश किया जाए। कल वर्षा गायकवाड जो कांग्रेस की एमपी है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी और इस मस्जिद को ना तोड़ने की अपील किया था, लगातार मांग कर रही है कि इस मस्जिद को ना तोड़ा जाए। लोग सड़क पे हैं, ये तस्वीरें देखिए लगभग एक किलोमीटर तक लोग सड़क पे हैं और लोग बैठे हुए हैं, कोई भी जो गाड़ी है वो जा नहीं पा रही है, पूरी तरह से बाधित है और पुलिस प्रशासन कोशिश किया जा रहा है कि किसी तरह से लोगों को यहाँ से हटाया जाए, यहाँ से जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल में किया जाए, लेकिन स्थिति अभी थोड़ा ठीक होते हुए दिख रही है। पुलिस अब सड़क पर उतर गई है, लोगों को हटाने का काम कर रही है, जो बीएमसी कर्मचारी थे वो जा चुके हैं, यहाँ से चार गाड़ियाँ थी, चारों गाड़ियाँ जा चुकी है, वो सामने देखिए दिखा रहा हूँ मैं दूसरी तस्वीरें, देखिए सामने देखिए कि यहाँ पे दूसरी गाड़ियों में पुलिस की टीम यहाँ पे जो पहुँची थी अलग अलग जगह से वो भी यहाँ से दूसरे हिस्से में जा रही है, क्योंकि लगातार कोशिश किया जा रहा है कि किसी तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जाए, लोगों को किसी तरह से हटाया जाए किसी भी तरह से, क्योंकि जिस तरह से सड़क पर बैठे हुए थे लगातार हंगामा कर रहे थे और कोई भी हटने के तैयार नहीं है। लगभग एक किलोमीटर तक लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लोग मानने के तैयार नहीं है कि किसी भी हालत में इस मस्जिद को हम तोड़ने नहीं देंगे। लोग कहना कि ये जो मस्जिद है काफ़ी पुरानी है और बीएमसी की तरफ से कल नोटिस दिया गया और आज सुबह बीएमसी की टीम पहुंची हुई है। तस्वीरें देखिए लगभग एक किलोमीटर तक यहाँ से जो 90 फीट रोड है धारावी का वो पूरा लोग भरे हुए हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पे बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है, लोगों को हटाने की कोशिश किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी यहाँ पे सड़क पर, इसके बाद पुलिस उतरी है और बीएमसी की टीम यहाँ से जा चुकी है, यहाँ से निकल चुकी है। अब देखना कि बीएमसी की टीम कब फिर से आती है, लेकिन कहीं कहीं सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए मुंबई पुलिस की टीम सड़क पर उतर गई है और लोगों को सड़क से हटाने की कोशिश किया जा रहा है धारावी में। जी
बिल्कुल सत्य प्रकाश, लेकिन ये बताइए, एक तो वहां दिखाइए कि अवैध निर्माण है कितना, दूसरी बात आप कह रहे कि चार गाड़ियां थी बीएमसी की वो चली गई हैं और जो बीएमसी के अधिकारी वो भी लौट रहे हैं, ये क्या वहां पर बीएमसी के जो अधिकारी हैं घुटने टेक दिए या फिर से टीम लौटेगी, अवैध निर्माण को ढहाने की कोशिश की जाएगी? सत्य प्रकाश, देखिए जो प्रोटेस्टर थे कहीं कहीं उनकी डिमांड कहीं कहीं पूरी हुई तो दिख रही है, क्योंकि वो लगातार डिमांड कर रहे थे कि इसको किसी भी हालत में हम तोड़ने नहीं देंगे। वो सड़क पर बैठ गए थे, हंगामा कर रहे थे लगातार, पुलिस प्रशासन कहीं कहीं उनके सामने कहीं कहीं पुलिस प्रशासन हट गई, बीएमसी की टीम हट गई, क्योंकि लगातार कोशिश किया जा रहा था जो प्रोटेस्टर थे कि इस मस्जिद को किसी भी हालत में तोड़ने नहीं दिया जाएगा। सामने वो तस्वीरें देखिए, सामने देखिए किस तरह से वह झंडे लहराए जा रहे हैं और नारेबाजी किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है किस तरह से जो सड़क पर बैठे हुए लोग, ये 90 फीट मुंबई का धारावी का इलाका है और देखिए किस तरह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है, नारेबाजी किया जा रहा है, झंडे लहराए जा रहे हैं, क्योंकि बीएमसी टीम जा चुकी है, चार गाड़ियां आई थी, चारों गाड़ियां यहां से निकल चुकी है, क्योंकि सिचुएशन हैंडल नहीं हो रहा था पुलिस की द्वारा, पुलिस द्वारा लगातार मनाने की कोशिश किया जा रहा था लेकिन लोग मानने के तैयार नहीं थे, सड़क पे उतरे थे, सड़क पे बैठे थे, हंगामा कर रहे थे, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कहीं कहीं बीएमसी टीम को आखिरकार रिटर्न जाना पड़ा। बिल्कुल सत्य प्रकाश, हम लौटेंगे आपके पास, फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें 7:70 में। मुंबई के धारावी में तनाव है, अवैध मस्जिद को तोड़ने पहुंचे बीएमसी के कर्मचारी, नाराज भीड़ ने बीएमसी टीम को घेरा। प्रदर्शनकारियों ने बीएमसी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। सुभानिया मस्जिद में हुआ है अवैध निर्माण, मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, पुलिस की बातों को अनसुना कर सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने मचाया बवाल। हरियाणा में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने व्यापारी को मारी लात, दीपेंद्र हुड्डा से बात कर रहा था बुजुर्ग, वीडियो हुआ वायरल। कर्नाटक के मैसूर में हाथियों का उत्पात देखने को मिला, दशहरा महोत्सव में शामिल हाथी कंचन और धनंजय खाने के समय आपस में भिड़ गए, घटना से लोगों में अफरा तफरी मच गई। बिहार के सहरसा में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में मछली की लूट हुई, मत्स्य विभाग द्वारा लगाई गई थी प्रदर्शनी, सीएम के जाते ही मछलियां उठाकर भागने लगे लोग। पुणे में जमीन में धंसा नगर निगम का ट्रक, खौफनाक मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, ड्राइवर ने सूझबूझ कर बचाई अपनी जान। हैदराबाद में हुआ दर्दनाक हादसा, टैंकर पलटने से बाइक सवार की मौत, हादसे का सीसीटीवी आया सामने।